नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको थ्री फेस और सिंगल फेस मोटर में किलोवाट या एचपी से मोटर के एम्पियर यानी कि मोटर का फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मोटर का फुल लोड करंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो बहुत ही ईजी है। फॉर्मूला होगा आई इक्वल टू पावर डिवाइड बाय रूट थ्री मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई पीएफ मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, ये थ्री फेस मोटर का फुल लोड करंट निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमें सिंगल फेस मोटर का फुल लोड करंट निकालना है तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। दोस्तों, इधर क्या होगा कि ये जो रूट थ्री है वो रूट थ्री इधर से निकल जाएगा। फॉर्मूला हमारा होगा आई इक्वल टू पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर इनटू एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का फॉर्मूला होगा। दोस्तों, हम एक थ्री फेस मोटर का फुल लोड करंट इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे ताकि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला एकदम फिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों, मोटर का फुल लोड करंट निकालने के लिए मोटर का पावर पता होना चाहिए। मोटर का पावर मोटर की नेम प्लेट पर किलोवाट या एचपी में लिखा होता है, तो हमें किलोवाट या एचपी हमें इस फॉर्मूले में डाल देना है। ठीक है, तो इस मोटर पे हमारे 18.5 किलोवाट लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इधर वैल्यू इसकी डाल देता हूँ। दोस्तों, पावर के बाद मोटर को दिए जाने वाले वोल्टेज का भी हमें पता होना चाहिए। जो हम मोटर को वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टेज हमें इधर लिख देने हैं। दोस्तों, हम मोटर की नेम प्लेट पे लिखे हुए वोल्टेज भी इधर लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम जो मोटर को वोल्टेज दे रहे हैं वो इधर डालेंगे तो हमें जवाब एकदम एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इधर मोटर की नेम प्लेट पर जो वोल्टेज लिखे हैं वो इधर लिख देता हूँ 415। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें मोटर का पावर फैक्टर पता होना चाहिए। मोटर का पावर फैक्टर मोटर की नेम प्लेट पे लिखा होता है, मोटर की नेम प्लेट पे पीएफ या कॉस 5 करके उसका पावर फैक्टर लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस मोटर की नेम प्लेट पे कॉस 5 हमारा पावर फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कॉस 5 पावर फैक्टर का सिम्बॉल है। ठीक है दोस्तों, तो इस मोटर में पावर फैक्टर 0.81 दिया हुआ है, तो मैं इधर 0.81 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर के बाद मोटर की एफिशिएंसी भी हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों, मोटर की एफिशिएंसी मोटर की नेम प्लेट पे एफिशिएंसी करके लिखी होती है या उसका सिंबल है एन, स्मॉल एन। ठीक है दोस्तों, तो स्मॉल एन में भी हमें इसकी एफिशिएंसी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस मोटर की एफिशिएंसी है 0.919। ठीक है दोस्तों, तो मैं इधर 0.19 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वैल्यू है इसको हम इस फॉर्मूले में डाल के इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू डाल देते हैं। आई इक्वल टू हमारा पावर, जो पावर हमारा 18.5 किलोवाट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इधर 18.5 किलोवाट डाल देता हूँ। फिर दोस्तों, ये हमारा रूट थ्री, तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है दोस्तों, तो मैं रूट थ्री की वैल्यू डाल देता हूँ 1.732। ठीक है, मल्टीप्लाई वोल्टेज, तो वोल्टेज है हमारे 415 डाल देता हूँ। और फिर हमारे आता है पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो पावर फैक्टर है 0.81। ठीक है, फिर आती है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी है 0.19। ठीक है, तो मैं इधर 0.19 डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा ये पावर है वो पावर हमें वॉट में डालना है, कभी केडब्ल्यू या एचपी में नहीं डालना है। ठीक है दोस्तों, किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, जितने किलोवाट है उसको हमें 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम किलोवाट को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इधर हमें मोटर की वैल्यू किलोवाट में दी हुई है, इसलिए हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वॉट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मोटर की वैल्यू एचपी में दी हो तो जो एचपी है उसको हमें क्या करना है कि 746 से हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम इस 746 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों किलोवाट को हमें वॉट में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर एचपी को हमें वॉट में कन्वर्ट करना है तो उसको 746 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम आसानी से किलोवाट और एचपी को हम वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इधर हमारा किलोवाट है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब का कैलकुलेशन मैंने पहले से ही किया हुआ है, तो हमारा ऊपर आएगा 18500। ठीक है, और नीचे आएगा 523.99। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 35
0.3, ठीक है दोस्तों, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मोटर की नेम प्लेट पे इसका एम्पियर 35.3 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से थ्री फेस मोटर का फुल लोड करंट इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। और अगर हमें सिंगल फेस मोटर का फुल लोड करंट निकालना है तो हमें ये √3 निकाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।